गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर सुमित्र प्रधान, टीचर ऑफ यूके जी। तो चलो जो आज फिर तुम्हारा इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में हम रीड करेंगे चैप्टर 36 डे 10 के बारे में। डे 10 के बारे में हम आज रीड करेंगे, ठीक है। तो डे को हम कितने पार्ट से डिवाइड किया कर सकते हैं कि हम डे एंड नाइट, ये टू टाइप्स का होता है। डे को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज डे टाइम और अनदर इज नाइट टाइम, ठीक है। तो डे टाइम हम कितने से कितने तक हम समय को डे टाइम कर सकते हैं। तो डे होता है ये सनराइज से लेकर सनसेट तक टाइम को हम डे टाइम कर सकते हैं। तो सनराइज 6 AM से शुरू होता है, शुरू होगा क्या 5:30 या 6 PM तक खत्म हो जाता है, ये शाम शुरू हो जाता है। नहीं, ये सनराइज से सनसेट तक समय को हम डे टाइम कहेंगे, ठीक है। तो डे टाइम के बारे में हम आज जानेंगे। तो डे टाइम होता है क्या, ये हम दिन से जो समय मिलता है हमको क्या करना चाहिए, हम क्या सब करते हैं, और तो उसको हम जानेंगे आज क्लास में, ठीक है। तो डे क्या होता है, डे टाइम द टाइम बिटवीन सनराइज टू सनसेट व्हेन देयर इज लाइट इज कॉल्ड डे टाइम। तो डे टाइम हमने डिस्कशन भी कर लिए हैं, आपकी बुक पर भी वही दिया है कि डे टाइम क्या होता है, डे टाइम द टाइम बिटवीन टाइम बिटवीन सनराइज टू सनसेट व्हेन देयर इज लाइट इस कॉल डे टाइम। तो डे टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन सनराइज टू सनसेट व्हेन देयर इज लाइट इज कॉल डे टाइम। तो ये टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है, ये 6 AM से लेकर शाम तक, ये शाम का समय 5:30 से 6 PM तक इसमें सनसेट हो जाता है। नहीं, तो 6 AM से लेकर 6 PM तक टाइम को हम डे टाइम कहेंगे। तो डे टाइम में क्या होता है ना, पहले सनराइज होता है, मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, तो भगवान जो सूर्य हमको दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस टाइम प्रार्थना करते हैं उठने के बाद। तो प्रार्थना करने के बाद हम हमारी जो वर्क होता है डेली लाइफ में उसको हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, तो उसको हम स्टार्ट करने से क्या होता है ना, हमारा दिन शुरू हो जाता है वही वर्क से। तो पहला वर्क है हम जो सन होते हैं या कोई गॉड को हम प्रे करते हैं पहले, और उसके बाद हमारा जो डेली वर्क लाइक ब्रश, बाथ, रीड या प्ले, हम सब वर्क वही जो डे टाइम में हम कर लेते हैं। नहीं, तो उसके बाद जो फार्मर है, बिजनेस है, यानी है डॉक्टर है, सब है, तो उनका भी वही काम खत्म करते हैं वही डे टाइम से, ठीक है। तो सनराइज से सनसेट तक हर आदमी को उनका वर्क खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शाम हो जाता है, नाइट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट टाइम में हम कोई भी कार्य करने के लिए माने प्रॉब्लम हमको क्रिएट करता है ये नाइट टाइम में, इसलिए हमको डे टाइम चाहिए, ठीक है। तो जो फार्मर होता है, फार्मर भी उनका कर्म कर लेता है, बिजनेसमैन भी, डॉक्टर भी, ये सब सबका काम यही डे टाइम में कर लेते हैं। नहीं, वी डू मोस्ट ऑफ आवर वर्क ड्यूरिंग डे टाइम,
हम हमारे सब वर्क खत्म करते हैं हमारा दिन के टाइम, ठीक है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे व्हाइल इट अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द स्काई अपीयर्स, जो आसमान होता है आसमान में, तो क्या होता है कि ये ब्लू होता है आसमान, ये डे टाइम पे कौन सा रंग हो जाता है, ब्लू रंग हो जाता है। जब सनसेट हो जाता है, सनराइज के समय रेड हो जाता है, और सनसेट जब भी होता है उसी समय भी रेड हो जाता है स्काई, ठीक है। लेकिन द स्काई अपीयर्स ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग डे का टाइम ये आसमान जो होता है ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय आसमान रेड दिखाई देता है, ठीक है। द टाइम बिटवीन सनराइज टू सनसेट व्हेन देयर इज लाइट इज कॉल्ड डे टाइम। तो डे टाइम हम शुरू करते हैं भगवान को प्रार्थना करके, प्रेयर करके हमारा लाइफ डे टाइम शुरू करते हैं। तो उनके बाद, उसके बाद क्या करते हैं, हम हमारे डेली वर्क सब कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, शाम आ जाता है। तो शाम को भी हम क्या करते हैं, हम भगवान को प्रेयर करके हम नाइट को भी वेलकम करते हैं, ठीक है। तो हमारा दिन खत्म हुआ, तो रात को हम भी नाइट टाइम को वेलकम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डे टाइम को हमारे वर्क करके सही तरह से हम हमारी वर्क को रूटीन वाइज करके हम डे टाइम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क भी भेज देती हूँ आप घर पर, वही डे टाइम में आप क्या क्या करते हो उसमें लिखना, ठीक है। Thanks.